हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, और हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें आपने क्या पढ़ा था कि करंट कैरिंग जो सर्कुलर लूप होती है उसके सेंटर पे, सर्कुलर रिंग जो होती है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पड़ा था। ठीक है, इस तरह से मान लो हमारे पास ये कोई रिंग है, इसके सेंटर पे फील्ड पड़ा हमने। ओके, आज हम करेंगे कि इसका जो एक्सियल लाइन होता है, एक्सियल मीन्स ये जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस होता है ना, ये वाला जो इसके सेंटर से पास हो रहा होता है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है एक्सियल लाइन, इस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, देखिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है और इसके सराउंड में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमें क्या चाहिए इसके, इस एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे। ओके, तो हम देखिए ऐसे इस पे यहां 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 कोई एक पॉइंट चूज कर लेंगे और वहां हम क्या निकालेंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो हम अपनी जो रिंग है उसको देखिए ऐसे ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जिसका रेडियस है यहाँ पे ए। ओके, और ये इसकी क्या है, एक्सियल लाइन। इस पे कोई पॉइंट हमने पी पॉइंट ले लिया। ठीक है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से आई करंट फ्लो कर रहा है मान लो। क्लियर, तो ये जो रिंग है इसके एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट पी लाई कर रहा है वहां हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये रिंग कैसे रखी है मैंने, आप इसको विजुअलाइज करिएगा, ऐसे रखी है मैंने ये रिंग, इस बोर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है इस रिंग का प्लेन ऐसे। ठीक है, और ये इसका एक्सिस है और पी पॉइंट इस एक्सियल लाइन पे कहीं अलाई कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको, तो ये टू डायमेंशनल है ना, तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि किस तरह रखी हुई है ऐसे। क्लियर, और वहां हमें क्या निकालना है, फील्ड। तो देखिए हम इस रिंग का क्या कर सकते हैं, हमें तो बायट स्वेटला आता है और बायट स्वेटला बहुत ही स्मॉल करंट एलिमेंट होता है ना, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो हमने कहा कि ये जो रिंग है ना किससे बनी हुई है, छोटे छोटे डीएल डीएल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से बनी हुई है। कंसिडर दिस रिंग इज सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, स्मॉल एलिमेंट्स ईच हैविंग लेंथ डीएल, ईच हैविंग लेंथ डीएल। ठीक है, तो ये जो रिंग आपके सामने है, मैंने मान लिया कि डीएल 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 छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके कंप्लीट रिंग बन गई। ओके, उन सभी डीएल में से कोई एक डीएल यहां कंसीडर करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कैप, ये हमारे पास ये क्या है, ये डीएल है। ओके, ये डीएल है, बहुत ही स्मॉल है तो ये अपने आप में स्ट्रेट है यहाँ पे। क्लियर, जैसे ये कैप आपको नजर आ रही होगी ऐसे, ये स्ट्रेट है। ठीक है, तो हमने मान लिया एक यहाँ ऊपर डीएल कंसिडर कर लेते हैं और इसी के डायमेट्रिकली अपोजिट एक डीएल नीचे कंसिडर कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, कंसिडर डीएल एंड डीएल, ये पोजीशन ए मान लो, ये पोजीशन बी मान लो। कंसीडर सच एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल एट टू पोजीशन, टू डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशंस, डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशंस ए एंड बी, ए एंड बी।
ठीक है। तो और हम क्या करेंगे, इन डीएल की वजह से यहां पे फील्ड देखेंगे, और ये जो पॉइंट है ना अपना सेंटर से, ये पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे, ये सेंटर मान लीजिए ओ है, ये एक्स डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ज्यादा कंजेस्टेड नहीं बनाते इसको, ये एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस डीएल की वजह से यहां पे फील्ड निकालेंगे, इस डीएल की वजह से यहां पे फील्ड निकालेंगे, और फिर उनका और नेट फील्ड, इन दोनों की वजह से नेट फील्ड क्या बनेगा, और फिर उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा और समझना होगा, थ्री डायमेंशनली कैसे इसको समझ सकते हैं। देखिए पहले तो मैंने इसमें माना कि हमारे पास ये जो डीएल है यहां से आर डिस्टेंस पे है, ये भी अपना ए होगा रेडियस, ठीक है, तो हमने माना कि ये आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये है हमारे पास ये वाला डीएल है, ओके, और इसके सेंटर से ये इस लाइन पे कहीं पॉइंट है, तो हमने ये वाला क्या माना हुआ है, देखिए आर माना हुआ है, इसको ऐसे होल्ड करते हैं हम, रुकना, ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे, तो इसके पैरेलल हो जाता है ना, तो एक्सिस के हमने इसको थोड़ा डाउन किया हुआ ऐसे नीचे इस तरह से, ये आर है हमारा, उस पॉइंट से डीएल से कितना दूर है, आर है, दिख गया होगा आपको, ठीक है, ऐसे ये हमारा एक्स है, ये आर है, ये हमारा ए है, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास, ये आर जो है ये हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ना, कि ये परपेंडिकुलर ही क्या है, बेस है, ओके। अब इस डीएल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम इजीली लिख सकते हैं, हमें पता है डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूजिंग बायट्स। अच्छा एक चीज और, ये वाला क्या होगा हमारे पास, ये भी तो आर डिस्टेंस भी होगा फिर, डायमेट्रिकली अपोजिट है ये, तो सिमेट्रिक केस है ना, तो ये भी क्या होगा, डिस्टेंस आर ही होगा, वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, ये हो जाएगा वही डीएल की वजह से, ओके। तो यूजिंग बायट स्वेटला, यूजिंग बायट स्वेटला मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट आई डीएल, देखिए करंट भी इंक्लूड हो जाएगा तो करंट एलिमेंट बन जाता है वो आई डीएल एट ए एंड बी इज, तो वो हमारे पास क्या आएगा, डी बी इज इक्वल टू आएगा देखिए म्यू नॉट ओवर 4 पाई, करंट आई है, लेंथ डीएल है बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और साथ में साइन थीटा, यही तो होता है ना फॉर्मूला हमारा बायट स्वेटला से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ओके। चलिए अब क्या है कि हमें देखना है आर क्या है हमारे पास, ओके आर हमारे सामने है, और साइन थीटा क्या है, थीटा यहां पे देखिए ये समझने का है थोड़ा सा, फिर से इसको हम विजुअलाइज करके देखेंगे, देखिए ये हमारे पास जो एक कैप मैंने इस पे रखी हुई है, ये अपने आप में क्या है, डीएल है, ठीक है, तो मैं इसको रख देता हूं, ये हमारे पास क्या है, डीएल है। अगर ये लेंथ ये एक्स कम या ज्यादा होती है तो ये ऐसे ऊपर नीचे होगा, फिलहाल आप देख रहे हैं इसके बीच में एंगल कितना है, डीएल और इसके बीच में यहां पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, ये देखिए ये अगर ऐसे घूमे ना, अगर ये ऐसे इस तरह से ऐसे या ऐसे तो एंगल चेंज होगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, ये ऐसे है यहां पे, ठीक है, ये ऊपर हो सकता है अगर डिस्टेंस दूर गई तो, पास में आया तो नीचे आ सकता है, लेकिन इस केस में डीएल और आर के बीच एंगल 90 डिग्री रहेगा, ऐसे होता रहेगा,
मींस एंगल चेंज नहीं होगा और एंगल कितना रहेगा 90। ओके हम इसका एक सॉल्ट वो बना सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, डीएल है, ठीक है। ये आपको थ्री डायमेंशनली डायग्राम विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ये जो डीएल है हमारा वो ऐसे कुछ है, ऐसे, ठीक है, और यहां से ये ऐसे हो सकता है आर हमारा, लेकिन ये एंगल चेंज नहीं हो सकता। तो ये इसमें आप यहाँ पे डीएल बना सकते हैं, ये हमारा क्या है ए है, ये हमारा क्या है एक्स है, और ये हमारा क्या है आर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो थीटा है ये 90 डिग्री है, तो एज थीटा इज 90 डिग्री। इसको आपको ध्यान से समझना है कि कैसे ये 90 डिग्री है डीएल और आर के बीच में एंगल, ठीक है। तो थीटा 90 डिग्री है तो हमारे पास डी बी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट और 4 पाई आई डी एल बाई, और जो हमारे पास आर स्क्वायर है उसको हम पुट कर सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, इसलिए वो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। ये जो डी बी है इसकी वजह से भी यहां पे इतना ही होगा और इसकी वजह से भी यहां पे इतना ही होगा, ठीक है। ओके अब देखते हैं जरा, भाई मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, नो प्रॉब्लम, और हमने देखा कि ये वाला डीएल इसकी वजह से भी डीबी ही रहेगा और इसकी वजह से भी क्या रहेगा, डीबी ही रहेगा। अब बात आती है कि ये जो डीबी है इसकी यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में होगा इसकी वजह से यहाँ पे डीबी। तो ये जो डीबी होगा वो हमने पढ़ा हुआ है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें डीएल और आर लाई करते हैं, डीएल और आर पढ़ा हुआ हमने अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। तो सोचिए हमारा जो था डीएल कौन सा था, हमारा डीएल ये था और ये हमारा आर था। तो ये जो फिलहाल इसमें आपको नजर, देखिए ऐसे कर दूं तो ये इस प्लेन में है, अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूं तो ये इस प्लेन में है, मतलब अगर ऐसे है और यहां मैग्नेटिक फील्ड है तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस। अगर ये थोड़ा सा ऐसे है तो इसका मतलब ये प्लेन इस तरह से है, ऐसे, तो फिर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आर के परपेंडिकुलर, भाई आर और डीएल जिस प्लेन में होते हैं उसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब आर के भी परपेंडिकुलर। तो सीधा आप इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आर के परपेंडिकुलर बना दीजिए, यही तो आर है ना हमारा, ये आ जाएगा डी बी। ये वाला भी इस आर के परपेंडिकुलर हो जाएगा ऐसे ही, डी बी, ये इसकी क्या एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेते हैं। ओके अब जरा देखें कि ये वाला एंगल क्या है भाई हमारे पास, ये वाला मान लीजिए फाई है, तो ये वाला भी क्या होगा, ये भी फाई होगा, सिमेट्रिक केस है ना, तो ऊपर फाई तो नीचे भी फाई। ओके अब मैं इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहता हूं, डी बी को एक कंपोनेंट ये और एक ये, बट इसमें एंगल देखिए, अगर यहां एंगल फाई है तो देखिए ये वाला जो ये ब्लैक वाला आपको नजर आ रहा है ये परपेंडिकुलर प्लेन है, मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, एक प्लेन है ये ब्लैक वाली, ऐसे ही ये भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके तो ये इसका एक्स एक्सिस, तो ये इसका वाई, तो इसका एक्स ये और इसका वाई ये है ना, तो इसके एक्स वाई के बीच फाई है, तो यहां इधर सॉरी एक्स एक्सिस ये वाला, वाई एक्सिस ये वाला, एक्स एक्सिस ये वाला, वाई एक्सिस, तो इसके वाई वाई के बीच में फाई है, तो एक्स एक्स के बीच भी क्या होगा फाई, ऐसे समझ सकते हैं। बाकी आप बाई ज्योमेट्री आप इसका एंगल निकाल सकते हैं, कैसे, ये फाई तो ये वाला कितना बचगा 90 माइनस फाई, तो ये वाला टोटल कितना था 90, तो ये 90 माइनस फाइव, तो ये क्या बचेगा फाइव, जैसे मर्जी आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप इसको, तो ये वाला फाइव, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा
समझ रहे हैं ना। देखिए इस ये एंगल टोटल कितना है 90, ये ब्लैक वाली लाइंस देखिए दोनों, तो यहां एंगल फाइव बन गया, तो इधर कितना बचा ये वाला बचा 90 माइनस फाइव, और इसके बीच भी तो 90 है ना, ये तो परपेंडिकुलर है इसके आर के, ये जो डीबी है, तो यहां 90 माइनस फाइव बचा बना, तो यहां क्या बचा फाइव बचा, तो ये बाइसिमेट्री हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव। ओके तो इसको रिजोल्व करें तो ये कंपोनेंट इसका एक आ जाएगा डी बी साइन फाई और एक आ जाएगा इधर डी बी कॉस फाई। ऐसे इसको रिजोल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा डी बी कॉस फाई, ठीक है, और ये वाला आ जाएगा एक एरो और लगा दीजिए डी बी साइन फाई। यहां तक देखिए इसको अच्छे से कि किस तरह से एंगल बना है और कैसे इस DB की डायरेक्शन जो है आप सीधा सीधा ये याद रखिए, हमें पता है कि DB परपेंडिकुलर टू R एंड DL होगा उस प्लेन में जिसके वो, तो हम सीधा सीधा ये भी समझ सकते हैं कि R के परपेंडिकुलर, तो R हमारे पास ये है इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से कि हमने कैसे किया इसको, उसके बाद देखिए DB और DB, क्योंकि यहां जो DB है ये है, ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड सेम है, आप चाहें तो इसका नाम DB डैश रख सकते हैं, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा फाइनली सेम आएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में और cos phi cos phi, तो ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ, तो समेशन DB cos phi क्या आएगा जीरो। इस डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का जीरो रहेगा, तो सारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बच गया, इस डायरेक्शन में बच गया, ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में है तो फिर जो नेट फील्ड होगा वो क्या होगा, देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड वो हमारे पास डी बी, मैं इस नेट मैग्नेट डी बी नेट लिख देता हूं इसमें, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास टू डी बी साइन फाइव, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, DB प्लस DB साइन फाइव, तो DB तो हो गया 2DB साइन फाइव। ओके अब देखिए हम DB की वैल्यू उठा के लाते हैं, 2DB आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके साइन फाइव देखिए क्या आएगा, इधर वाली साइड साइन फाई फ्रॉम द ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी इस ट्राइंगल में देखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कौन है, अगर ये एंगल फाई है तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस मतलब ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर वन बाई टू, रूट कह दीजिए चाहे वन बाई टू, तो साइन फाइव की जगह क्या पुट करते हैं यहाँ पे ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर वन बाई टू, ये हमारे पास क्या आ रहा है डी बी नेट आ रहा है, ठीक है। बट क्या हमें फील्ड डी बी नेट ही चाहिए, डी बी नेट तो सिर्फ इन दो एलिमेंट्स की वजह से, एक डी एल एलिमेंट यहाँ और एक डी एल एलिमेंट यहाँ, हमें तो इस कंप्लीट रिंग की वजह से चाहिए ना, कंप्लीट रिंग की वजह से, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां, देखिए इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है टोटल लेंथ, वो है जीरो से लेके टू पाई ए, है ना टू पाई ए इसकी सरकमफ्रेंस है, लेकिन हमने दो एलिमेंट लिए हैं, क्या लिए हमने दो, अगर हम सिर्फ यही एलिमेंट लेते ये डायग्राम बनता है नीचे वाले कंपोनेंट नहीं आते, ना डी बी आता ये कॉस आता ना साइन आता, फिर हम कहते हैं कि ये डी बी कॉस के अपोजिट एक और आने वाला है ऐसे, फिर इसको इंटीग्रेट करते हम, तो डी बी कॉस को तो हम जीरो मान लेते और इसको डी बी साइन फाइव को इंटीग्रेट करते, तो हमने पहले एक कंपोनेंट ना, हमने दो डी एल कंसिडर किए हैं, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना वो जीरो से टू पाई ए नहीं होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा जीरो से पाई ए, एक डी एल यहाँ लिया एक डी एल यहाँ, हमने दो डीएल लेके ये रिजल्ट बनाया है, तो इस केस में हमारे पास इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई ए ना होके जीरो से पाई ए होगा, तो हम क्या करेंगे इसको
इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, तो इंटीग्रेट करेंगे इसको कहां से कहां भाई, देखिए, फॉर द टोटल मैग्नेटिक फील्ड टू ड्यू टू रिंग इंटीग्रेट इक्वेशन फ्रॉम, अब इसमें देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, फोर पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ए रेडियस कांस्टेंट है, ये वाली एक्स अक्सर हमारे दिमाग में एक्स को देखते ही आता है वेरिएबल होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स क्या है कांस्टेंट है, पी पॉइंट एक बार ले लिया तो ले लिया, ठीक है, तो ए कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, बचा कौन, सिर्फ डीएल, क्योंकि डीएल जो है वो ऐड होते होते क्या बन जाएगा कंप्लीट टू पाई ए बन जाएगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि हमने डीएल दो जगह कंसिडर किया इसलिए इंटीग्रेशन जीरो से टू पाई ए नहीं होगा, क्या होगा जीरो से पाई ए। ओके, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, टू म्यू नॉट आई ए की कांस्टेंट मैंने बाहर रख लिए थे, ठीक है, फोर पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू, और जो जीरो से पाई ए है उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, सीधा कर दूं, डी एल का इंटीग्रेशन क्या आता है, एल लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा पाई ए माइनस जीरो टू म्यू नॉट आई ए बाई फोर पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू पाई ए, पाई से पाई कैंसिल आउट, टू से ये वाला टू यहाँ पे कैंसिल आउट, तो आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू, सिर्फ टू ही बचा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया किसकी वजह से, इस करंट कैरिंग रिंग की वजह से उसके एक्सियल लाइन पे, और जो फील्ड है वो किधर आया है देखिए अवे, वैसे भी अवे आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, देखिए ये रिंग ऐसे है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था ना ऐसे, ये जो कर्ल फिंगर है उनको करंट के अलोंग कर दीजिए, ऐसे है ना करंट, तो थंब क्या देगा हमें फील्ड की डायरेक्शन, और वैसे भी अगर इसको देखा जाए ऐसे तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, तो ये कौन सा होगा नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ होती हैं, तो फील्ड अवे होगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग। ओके, आगे और इसमें हम देखते हैं, देखो अगर मान लो कि ये जो हमारा एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे लाई कर रहा था वो सेंटर पे ही लाई करे, इफ पॉइंट पी लाइज एट सेंटर, मतलब हम फील्ड कहां देखना चाहते हैं सेंटर पे, देन एक्स विल बी जीरो, तो इस इक्वेशन में एक्स जीरो पुट करिए क्या आएगा, देखो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई टू, और एक्स को जीरो पुट किया तो ए स्क्वायर ऊपर पावर थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट, म्यू नॉट आई बाई, देखिए यहां पे एक मिनट, हाँ ये पावर ए की कितनी आ जाएगी यहाँ पे तीन, ऊपर कितनी है दो, तो नीचे एक बच जाएगी, म्यू नॉट आई बाई टू ए, याद करिए कि यही रिजल्ट हमने निकाला था सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इसमें एक चीज और हमने कल वो नहीं करवाई कि अगर ये तो एक ही टर्न थी रिंग में, अगर ऐसा हो जाए कि इफ देयर इज एन नंबर ऑफ टर्न्स, भाई एक है उसके साथ दूसरी भी हो तीसरी, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो बी क्या आ जाता है, ये तो एक के लिए फील्ड है, एन के लिए एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू नॉट आई बाई टू ए, ठीक है, सेम इस वाले में भी कर सकते हैं एक्सएल वाले में भी, फॉर एन टर्न्स हमारे पास b क्या आ जाएगा n से मल्टीप्लाई, बस कुछ नहीं करना इससे आगे, एज इट इज जो है वही रहेगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर
टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारे पास अगर एन हो तो हम उस एन से मल्टीप्लाई, मीन्स अगर सिंगल टर्न का तो ये रिजल्ट है ही, अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स दो हो जाए तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, तीन है तो तीन से, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो एन से क्या कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम एन टर्न्स के लिए भी मैग्नेट, और हमने देखा कि सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वही आ जाता है, इस तो इसका मतलब है कि जो एक्सियल लाइन का स्पेशल केस क्या हो गया हमारा, ये सेंटर वाला। चलो अब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ बिटवीन, देखिए जैसे जैसे एक्स वेरी करता है वैसे वैसे फील्ड भी चेंज होता है बिटवीन एक्स एंड बी। इस एक्सिस पे हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस, हो जाएगी कौन, एक्स, और इस एक्सिस पे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी। तो देखिए अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर देखूं तो ए कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, और बचा क्या एक्स। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड क्या होगा, कम होगा। अगर एक्स जीरो हो जाए तो ये मैक्सिमम नहीं होगा, ध्यान से देखें बाकी सब कांस्टेंट हैं, इसमें जो फील्ड है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक्स जीरो हो जाए, एक्स कम से कम कितना हो जाए, जीरो मैग्नीट्यूड में, अगर ये जीरो, क्योंकि अगर माइनस भी जाएगा तो भी ये स्क्वायर है, तो अगर ये जीरो हो जाए तो ये बी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है जीरो कब होता है, सेंटर पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे वो मैक्सिमम होगा बी मैक्स, और वो कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2a। उसके बाद जो फील्ड क्या करेगा, वो ऐसे वेरी करेगा, ठीक है, मींस हम जितना सेंटर से दूर जाएंगे फील्ड क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज, और कहां जाके जीरो हो जाएगा, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बात ये थी कि ग्राफ इधर ही बनाया, बनाना चाहिए था इधर भी, क्यों बनाया, क्योंकि रिंग ये है, ठीक है, तो हमने इसमें करंट किधर लिया था, इधर वाली साइड ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो फील्ड इधर, तो मेरी साइड देखूंगा, देखो ऐसे इस साइड से देखोगे तो क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज, मेरी साइड से देखूंगा मैं ऐसे तो ये क्या होगा, अब क्लॉकवाइज, मुझे क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, कोई इधर से देखेगा उसको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड उधर है तो यहां से एंटर करते हुए मैग्नेटिक फील्ड उधर गया, क्लियर, तो फील्ड इधर वाली साइड भी है और इधर वाली साइड भी है, दोनों साइड फील्ड होगा। तो इसके अंदर हमारे पास यहां से ग्राफ, यहां से फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा जितना उसके पास आएंगे, इन्फिनिटी से चले थे फिर सेंटर पे आते आते मैक्सिमम, और फिर डिक्रीज होने लग जाएगा, क्लियर। और अगर हम ये कहें कि इसमें एक केस स्पेशल और बना लेते हैं छोटा सा, इफ एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, ए के इक्वल हो जाए, तो ऐसे केस में बी क्या आएगा, देखिए बी डैश हमारा आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह भी क्या पुट कर दो, ए, तो ए स्क्वायर हो गया और 3/2, देखिए म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारे पास 2a² है ना, तो ये हो गया 2a² और 3/2, ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 से तो 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, ओके, पावर में, और यहां आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2। देखिए पावर जो है ना, इसमें मैं अलग अलग लिख देता हूँ, एक मिनट रुकना, 2 की पावर 3/2 और ए स्क्वायर की पावर भी 3/2, ऐसे लिखिए इसको, ठीक है, समझ रहे हो, जिसे अंदर क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो टोटल कितना हो गया 2a² और 2a² की भी पावर 3/2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर भी 3/2 है और ए स्क्वायर की पावर भी 3/2 है, ओके। तो ये हमारे पास
देखिए ये तो कट जाएगा ए की पावर 3 और ऊपर क्या है ए की पावर 2, तो नीचे क्या बच गया, एक ए और बच गया, ये वाला इसमें कैंसिल आउट, ये आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 ए, और ये 2 की पावर 3/2, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियर अबाउट हम इसको 1/2 ऑफ बी मैक्सिमम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ में हम इंडिकेट कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये वाली साइड क्या है, यहाँ आते आते मान लीजिए क्या है, एक्स इक्वल टू ए है नियर अबाउट, ठीक है 1/2 बी मैक्स। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, इस साइड देखिए, ये भी इस साइड भी होगा, यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस ए लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे, और अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है, ये तो सिंगल टर्न है, अगर एन है तो एन से मल्टीप्लाई, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और उसका ग्राफ हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हम इसमें इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे स्ट्रेट वायर के हो गए हैं, एक टॉपिक हमारा स्ट्रेट वायर हो गया और एक टॉपिक हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द रिंग हो गया, इसका एक्सियल लाइन भी हो गया और इसका सेंटर भी हो गया है। ओके, तो आज इस लेक्चर में इतना ही।